अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हम आपको लीड अपने अंदर लीडरशिप पैदा करने के वो राज बताते हैं जो अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले हर शख्स के अंदर वदियत कर दिए हैं। हम उम्मत इब्राहिमी के अफराद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, यानि हम आपको सारी दुनिया की इमामत यानि लीडरशिप अता करते हैं। इमामत से मुराद नमाज की इमामत नहीं, बल्कि रोए ज़मीन पर अल्लाह के दीन को कायम करके इस दुनिया को जुल्म, नाइंसाफ़ी, झूठ, रिश्वत, चोरी, खयानत और हर तरह के हराम कामों से नजात दिलाना है। उम्मत इब्राहिमी का हर फर्द पहले इस सरजमीन पर अल्लाह के दीन को कायम करने वाला लीडर है, बाद में वो चाहे जो भी प्रोफेशन का मालिक हो। इस तरबियती वर्कशॉप के ज़रिए हम आपके अंदर छुपे हुए उस लीडर या कायद को सामने लाएंगे जो इन नुकात पर संजीदगी से अमल कर ले तो एक इनकलाब आ सकता है। इस सीरीज़ का नाम है 10 कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप, और सबसे पहला कमांडमेंट ये है कि आप हर किस्म के शुड यानि चाहिए को दफन कर दें। आज पूरी कौम इसी शुड यानि चाहिए की अडिक्ट हो चुकी है। जो भी मुंह खोलता है चाहिए की रट लगाता है और समझता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। जैसे लीडरों और जमातों को ये करना चाहिए, उलमा और मुसलमानों को वो करना चाहिए, तालीम को आम करना चाहिए, ईमान और आखिरत की मेहनत करनी चाहिए, जहेज़ और फजूल खर्ची को रोकना चाहिए, बच्चों की तरबियत का इंतज़ाम करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोग अगर मगर की रट लगाते हैं, अगर मुसलमान ये नहीं करते तो वो ये नहीं होता, अगर मगर मुसलमानों ने वो कर दिया जिसकी वजह से वो हो गया। ये अगर मगर भी दरअसल शुड ही की एक कैटेगरी है। लोग इस तरह हज़ारों अगर मगर और चाहिए के अंबार लगा देते हैं। कोई अखबार या रिसाले का मजमून पढ़िए, किसी आलिम या दानिश्वर या सियासी लीडर की तकरीर सुनिए, किसी चायखानों और दीवान खानों में तबसरे करने वाले इन सीडो इंटेलेक्चुअल से गुफ्तगू कीजिए। इन सब का हालात हाजिरा पर एनालिसिस शानदार होगी, लेकिन आखिर में इसी अगर मगर या ये करना चाहिए वो करना चाहिए पर बात एंड हो जाएगी। सुना है कि बिल्ली के बढ़ते हुए जुल्म और इस्तेहसाल से चूहे बहुत परेशान थे। फिर एक बूढ़े चूहे ने, जो बहुत इंटेलेक्चुअल यानी दानिश्वर था, उसने कहा कि हमें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए। तमाम चूहों ने इस सीनियर चूहे को खूब दाद दी। हम बरसा बरस बल्कि सदियों से यही करते आ रहे हैं। आज भी कोई व्हाट्सएप या फेसबुक उठाकर देखिए, हर मजमून और हर तबसरे में सिवाय शुड के कुछ नहीं होता। दोस्तों, लीडरशिप का सबसे पहला तकाजा यह है कि आप इन तमाम स्पीचेस और आर्टिकल्स को व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह को दफन कर दीजिए जिनमें ये शुड भरे हुए होते हैं, जिनमें इफ्स और बट्स की तकरार होती है। अगर आपकी बिल्डिंग को आग लग जाए तो सोचिए आप क्या करते हैं। आप कोई शुड इस्तेमाल नहीं करते, जैसे फायर ब्रिगेड को आना चाहिए, महल्ले वालों को आगे बढ़ना चाहिए, घरों में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। आप फौरी उठते हैं और आपके बस में जो भी है वो करना फौरी शुरू कर देते हैं। आज कौम हर तरफ से शोलों में घिरी हुई है। एक तरफ से दुश्मन की यलगार है तो दूसरी तरफ खुद हमारे अंदर तालीम की कमी, जहालत, फ़िरक़ेबाजियाँ, खुदगर्ज़ लीडरशिप, गुरबत और इफलास, जहेज़ की हिर्स, आखिरत से मुकम्मल गफलत और दीन से दूरी ने हमें सियासी तौर पर ही नहीं बल्कि माशी और अखलाकी तौर पर मुकम्मल बर्बाद कर दिया है। बल्कि बकौल जस्टिस साचर कमेटी रिपोर्ट के, हमको हरिजनों से भी बदतर बना दिया है। ऐसे वक्त में अगर आप हुकूमत को ये करना चाहिए और फलां जमात को वो करना चाहिए यही करते रहेंगे तो जितने जलील और रसवा आज हम हैं, हमारी नस्लें कल हमसे ज़्यादा जलील और रसवा होंगी। इंडिविजुअली हो सकता है हम हमारी औलाद को खूब माल और घर छोड़ जाएँ, फ्लैट और प्लॉट छोड़ जाएं, लेकिन कलेक्टिवली यानी बहसियत कौम हम हमारी नस्ल को एक मुकम्मल गुलाम और सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ जाएंगे। दोस्तों, चाहिए को दफन कीजिए। जो भी चाहिए चाहिए का विर्द करे उसके मुंह को बंद कीजिए। और अब आप क्या कर सकते हैं बस यही सोचिए। कोई लीडर या जमात वो काम नहीं कर सकेगी जो आप खुद कर सकते हैं। अपने अंदर के लीडर को बाहर लाइए और लीड अपने हाथ में लीजिए। संग तो कोई बढ़ के उठाए, शाखे समर कुछ दूर नहीं, तुम जिसको बुलंदी समझे हो इन हाथों की कोताही है। जो आदमी सच्चे दिल से कुछ करने का इरादा करे उसे वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जो किसी न किसी महाज पर उम्मत की जंग लड़ रहे हैं। और जो लोग पस्त हिम्मत हैं, न जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, न वक्त देना चाहते हैं, न तकलीफ़ उठाना चाहते हैं, उन्हें हर शख्स, हर जमात और हर ऑर्गेनाइजेशन चोर नज़र आती है। ऐसे बहानाबाजों के दरअसल दिल में चोर होता है और सबको अपनी ही तरह समझते हैं। मुख्तसर ये कि अगर उम्मत की इज्जत और अजमत को दोबारा लौटाना हो तो आपको शुड को और इफ्स और बट्स को दफन करके सिर्फ एक फार्मूले पर अमल करना होगा कि आई विल डू व्हाट इज़ इन माय कैपेसिटी टू डू नाउ, यानि इस वक्त मेरी इस्तेआत में जो भी है वो मैं करूँगा। इंशाल्लाह आपकी लीडरशिप की तरफ ये पहला कदम होगा।
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دروازے کے اندر گھس جاؤ اور اگر تم اندر داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور صرف اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھو اگر تم مؤمن ہو. جزاکم اللہ خیر.